are going to discuss lesson number 9, home sweet home from unit 2, our needs. We need 3 basic things to live. हमें 3 basic things की जरूरत है जिंदा रहने के लिए. These are house, clothes and food. वो क्या के कौन कौन सी है? घर, कपड़े और खाना. In this lesson, we will discuss about houses. इस लेसन में हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. यूजेस ऑफ अ हाउस. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, ड्रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. जो घर है हमें हीट क्या होता है? गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन बारिश से, थीव्स चोरों से एंड वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से बचाता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हम पढ़ेंगे हाउसेस की टाइप के बारे में. हाउसेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, टेम्परेरी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस. हाउसेस जो घर होते हैं दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी हाउसेस और परमानेंट हाउसेस. टेम्परेरी हाउसेस इन विलेजेस पीपल विद हट्स मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बो. जो विलेज होता है गांव में जो लोग घर बनाते हैं अपने मड से बनाते हैं. मड होता है मिट्टी. स्ट्रॉ आपने पराली सुना है? पराली जो आपके कनक होती है उसके जब हम बीज निकाल लेते हैं जो उसका घास फूस बच जाता है वो होता है स्ट्रॉ. एंड बैम्बो बांस. ठीक है, जो विलेजेस के लोग हैं वो मिट्टी, पराली और बैम्बो मतलब बांस से अपने घर बनाते हैं. दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रांग. जो ये हाउस होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते एंड डू नॉट लास्ट लॉन्ग. वो ज्यादा समय तक नहीं रहते. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज. इसीलिए इन्हें कच्चा हाउसेज बोलते हैं. सम पीपल डू नॉट लीव एट वन प्लेस. कुछ लोग हमेशा एक जगह पे नहीं रहते. दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. दे लीव इन अ कारावन. वो कहाँ पे रहते हैं? कारावन. कारावन इज अ हाउस ऑन व्हील्स. आप देख रहे हो ना पिक्चर में, देखो ऐसे होते हैं कारावन जो घर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं. सोल्जर्स एंड माउंटेनियर्स स्टे एट वन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सोल्जर्स सिपाही और माउंटेनियर्स जो पहाड़ों पे रहते हैं वो एक प्लेस पे थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं. दे मेक अ टेम्परेरी हाउस कॉल्ड टेंट. ये जो घर बनाते हैं, टेम्परेरी घर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेंट. और टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवस. कैनवस होता है एक बहुत ही मजबूत कपड़ा. तो जो टेंट होते हैं वो कैनवस के बने होते हैं. आप देख ही रहे हो इसमें टेंट की पिक्चर आपने देखी है ना. टेंट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं टेंट. नेक्स्ट वन इज सम पीपल इन कश्मीर एंड केरला हैव बिल्ट हाउसेस ऑन बोट्स. जो कश्मीर में लोग रहते हैं और केरला में रहते हैं वो हाउसेस बनाते हैं, बोट्स पे हाउस बनाते हैं. दे आर कॉल्ड हाउस बोट्स. इन्हें क्या बोलते हैं? हाउस बोट्स बोलते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो हाउस बोट कैसे है, जो पानी पे चल रही है बोट की तरह होती है, उसके बीच में घर बनाया होता है. डिड यू नो एन इग्लू इज द हाउस मेड अप ऑफ स्नो. जो इग्लू होते हैं आप पिक्चर में देख सकते हो ऐसे होते हैं इग्लूज के घर. ठीक है, जो इग्लू होते हैं वो स्नो के बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं. इस्किमोस लिव्स इन इग्लूज. जो इग्लूज में लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इस्किमोस हाउसेस. परमानेंट हाउसेस होते हैं, पक्के हाउसेस. इन सिटीज एंड टाउन्स पीपल बिल्ड हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड आयरन रॉड्स. जो सिटीज है, टाउन्स है, शहरों में घर जो बने होते हैं ब्रिक्स के बने होते हैं. ब्रिक्स होती है ईंट, सीमेंट के होते हैं, लकड़ी के बनाए होते हैं और लोहे की रॉड से बने होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस. ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं. दे लास्ट लॉन्ग एज कम्पेयर टू हट्स. जो कच्चा हाउसेस जो टेम्परेरी हाउसेस से बहुत ही ज्यादा समय तक चल जाते हैं. दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. इन घरों को, परमानेंट हाउसेस को पक्का हाउसेस भी बोलते हैं. पक्का हाउसेस के एग्जांपल्स हैं अपार्टमेंट्स. अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे से घर बने होते हैं. सिंगल स्टोर
आप जिनमें रहते हो बंगलो, ठीक है, बंगला जो आपने देखे होंगे फिल्मों में, ठीक है। एन आइडियल हाउस, एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग थिंग्स, जो नीचे लिखी थिंग्स है वो आइडियल हाउस में होनी चाहिए। इट शुड बी वेल लिट एंड एयरी, वेल लिट होता है जिसमें अच्छे से रोशनी आती हो, ये क्या होना चाहिए, अच्छे से जिसमें रोशनी आनी चाहिए और हवादार हो। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, यह सुंदर और साफ सुथरा होना चाहिए। इट शुड हैव नेबरहुड सर्विस, नेबरहुड सर्विस कौन कौन सी होनी चाहिए इसमें, बैंक्स, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क्स एंड मार्केट नियर बाय, इसके नजदीक जो है, जो अच्छा हाउस होता है उसके नजदीक बैंक, हॉस्पिटल, पार्क, मार्केट होनी चाहिए। रिमेम्बर, जो हमने इस लेसन में पढ़ा आपने वो याद रखना है, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, जो घर होते हैं हमें कोल्ड, गर्मी, सर्दी, हवा, चोरों से और जंगली जानवरों से बचाते हैं। हाउसेज ऑफ, हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, हाउसेज दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी हाउसेज एंड परमानेंट हाउसेज। कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन विलेज, जो कच्चा हाउस होते हैं वो विलेजेस में होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ये मिट्टी और पराली के बने होते हैं। पक्का हाउसेज आर फाउंड इन सिटीज, पक्का हाउसेज सिटीज में, शहरों में होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड आयरन रॉड्स। एन आइडियल हाउस शुड बी वेल लिट, एयरी, नीट एंड शुड बी क्लोज टू नेबरहुड सर्विसेज, जो आइडियल हाउस होता है, अच्छा हाउस होता है वो उसमें अच्छे से रोशनी आनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और नेबरहुड सर्विसेज जैसे कि बैंक्स, हॉस्पिटल, मार्केट के पास होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।